या अगर जो ये कहता है कि सब हमारी ही कलीसिया जाएगी, हमारी ही कलीसिया उठा ली जाएगी, हम ही लोग उठा लिए जाएंगे, बाकी और कोई नहीं उठाया जाएगा, तो वो ढोंगी है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 3रे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 8 पद तक हमने सीखा था 144,000 वो कौन लोग हैं जो चुने गए हैं। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 14 पद तक। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 14 तक। यहाँ लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और सारे सरदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगाना युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये परमेश्वर का वचन जो है यहां लिखा हुआ है कि ये जो बड़ी भीड़ देखी, देखिए 144,000 के बाद जो यूहन्ना देख रहा है एक बड़ी भीड़ देख रहा है और इस बड़ी भीड़ में से वो हर एक जाति, इस दुनिया के अंदर जितनी भी भीड़ है, जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी जाति के लोग रहते हैं, जितनी भी भाषाओं के लोग रहते हैं, परमेश्वर ने हर एक भाषा हर एक जाति में से अपने लोगों को चुना है, अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए चुना है, अपने राज्य में शासन करने के लिए जो है उनको चुना हुआ है। परमेश्वर ने हर एक जाति में से चुना है। अब यहां पर एक विशेष बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब वो पॉइंट क्या है, आज आपने देखा होगा बहुत से चर्च के लोग, बहुत से पादरी लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं सब हमारी ही कलीसिया जाएगी, हमारी कलीसिया जो है वो इस स्वर्ग में जाएगी, वो ही परमेश्वर के राज में जाएगी, दूसरी कोई नहीं जाएगी, दूसरे कोई लोग नहीं जाएंगे। परंतु यहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, जब आप इन पदों को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हर एक जाति और हर एक कुल, हर एक कुल का मतलब हर एक घराना। देखिए इस पृथ्वी पर जितनी जातियां हैं, जितने घराने परिवार के लोग हैं और जितनी भी भाषाओं के लोग रहते हैं, हर एक में से परमेश्वर ने उनको चुना है और उन पर मोहर लगाई है। अगर जो ये कहता है कि सब हमारी ही कलीसिया जाएगी, हमारी ही कलीसिया उठा ली जाएगी, हम ही लोग उठा लिए जाएंगे, बाकी और कोई नहीं उठाया जाएगा, तो वो ढोंगी है और वो जो है परमेश्वर के विरोध में बात कर रहा है। और यकीन मानिए अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो और उसके लोग ही नहीं जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन स्वीकार है। जब वो हर एक जाति, हर एक घराने, हर एक परिवार के, हर एक भाषा के लोगों की बात कर रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं नहीं साहब हमारे ही लोग जाएंगे, हम ही लोग जाएंगे, हमारे ही घराने के लोग जाएंगे, हमारी ही कलीसिया जाएगी। और फिर हमारी कलीसिया क्या होती, कलीसिया तो प्रभु की होती है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी कलीसिया, तो हमारी कलीसिया क्या मतलब कि हम प्रभु यीशु मसीह हैं जो हम ये कहें कि हमारी कलीसिया। कलीसिया का मतलब होता है बुलाए हुए लोग, कि हमारे बुलाए हुए लोग हैं। कलीसिया का मतलब होता है दुल्हन, यानी हमारी दुल्हन है। जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमारी कलीसिया, हमारे लोग, तो वो जो है वो प्रभु यीशु मसीह की बराबरी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जगह अपने आप को रखते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह का स्थान लेना चाहता है, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत लेना चाहता था, इसलिए वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब ये सोचिए अगर जो
इस तरीके की बात करते कि हमारी कलीसिया, हमारी दुल्हन, हमारे लोग, हमारे बुलाए हुए लोग, या हमारे ये कलीसिया है, हमारी नहीं प्रभु की कलीसिया है। तो सोचिए, वो स्वर्ग में तो अभी है नहीं, मगर पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, तो वो कहां से गिराए जाएंगे? पृथ्वी पे से नीचे अधोलोक में गिराए जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की बराबरी कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा। और यहां लिखा हुआ है वो श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग हैं। अब श्वेत वस्त्र पहनने का मतलब क्या है? यानी पवित्र लोग हैं। इन्होंने अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र किया है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। पूर्ण रूप से इन्होंने पवित्रता को धारण किया हुआ है। और वो पवित्रता कैसे धारण की हुई है कि कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू। जब आप पहला योना की पत्री पहला अध्याय उसका 7-9 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो शुद्ध किए गए लोग हैं, उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है। और यीशु का लहू तो हमारे और आपके लिए भी बहाया गया, तो हमें भी उसके लहू से शुद्ध होना है, पवित्र होना है, ताकि हम उसके राज के इस भीड़ के अंदर हम भी हों। अगर यदि आप इस भीड़ पे हैं तो परमेश्वर आपको जो है, यूहन्ना जो है वह आपको देखता है। और यहां पर जो है 13 और 14 पद जरा बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए। देखिए, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और ये कहां से आए हैं? यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना बिना समय गवाए उत्तर देता है, हे स्वामी तू ही जानता है। उसे यूहन्ना से पूछा गया, उसने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता हूं, ये तू ही जानता है कि ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। और यहां जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहां से आए हैं? ये पृथ्वी पर जो महाकलेश काल है, 7 साल का जो महाकलेश काल है, ये उसमें से निकल कर आए। ये उसमें से इन्होंने अपने आप को उस महाकलेश काल में से कैसे बचा के रखा, ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि परमेश्वर की मोहर उनके ऊपर लगी हुई थी। और यहां लिखा है ये लोग कौन है, ये लोग कौन है जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, अपने अपने शरीर को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया। वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि ये जो वस्त्र पहने हुए, वस्त्र का मतलब होता है हमारे शरीर का ये जो स्किन है, ऊपर की स्किन, इसको वस्त्र कहते हैं। जी हाँ, इसको यानी अपने शरीर को जो है वो धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। ये वो लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे मैंने बताया पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसका 7-9 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके यानी मेमने के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र किए गए लोग हैं। इस श्वेत तथा श्वेत को अच्छे से और हम समझ लें कि कैसे मतलब हम श्वेत यानी पवित्र हो सकते हैं। यशया 1 अध्याय उसका 18वां वचन, यहोवा कहता है, अब हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे, उज्जवल हो जाएंगे, यानी धुल जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। यानी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा प्राण में जो भी बुराइयां हैं, जो भी बातें, बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, वो सब निकल जाएंगी। यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर देगा। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, सच्चे मन से मन फिराते हैं और अपने जीवन को, अपनी आत्मा प्राण देह को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, हमें अपने योग्य बनाता है। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है ऊन के स्वान श्वेत हो जाएंगे। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन क्या, ऊन के स्वान यानी ऊन बड़ा मुलायम होता है, यानी हम हमारा जो सोच, हमारे विचार, हमारी आत्मा प्राण कोमल हो जाएगी। आपने देखा होगा जब नमान कोड़ी के बारे में जब आप पढ़ेंगे, पर जब एलिशा ने उससे कहा कि तू यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले, और जब उसने 7 बार यर्दन में डुबकी लगाई तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है, और उसका शरीर बालक के शरीर के समान हो गया, कोमल हो गया, बहुत स्वच्छ हो गया। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, उसे पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, अपनी आत्मा प्राण उसके हाथ में सौंपते हैं, तो वो अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को मुलायम, कोमल बनाता है, बच्चे के समान जो है वो बनाता है,
परमेश्वर का वचन कहता है। फिर पहला पत्रस एक अध्याय उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का वचन कहता है ना, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। सही में परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। भाई वो पवित्र है क्योंकि वो पवित्र है, उसका राज्य पवित्र है, उसका सिंहासन पवित्र है, वहां लोग पवित्र लोग हैं, तो वहां पर जाने के लिए हमें भी पवित्र बनना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो, और जब हम पवित्र बनते हैं तो हम परमेश्वर के राज के वारिस होते हैं। फिर हमें मिलती हैं खजूर की डालियां। अब आपने देखा होगा यहां पर जो है ये खजूर की डालियां लिए हुए लोग हैं। खजूर की डालियां लिए हुए लोग कौन है? क्योंकि ये जो है इन्होंने विजय प्राप्त करी है। किस पर? उस महाकलेश काल पर जो है विजय प्राप्त करते हुए, उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हुए, उन बुरी बातों पर विजय प्राप्त करते हुए, उन बातों पर जो परमेश्वर के विरोध में है उन पर विजय प्राप्त करते हुए जो है ये विजय हुए हैं। और खजूर की डालियों का मतलब होता है विजय होना, कि ये विजय पाए हुए लोग हैं। लेव व्यवस्था जब 23 अध्याय 39 से 40 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नाना प्रकार के पेड़ों की डालियां लाते थे और परमेश्वर के सामने जो है वो हिलाते थे, आनंद मनाते थे। वहां लिखा आनंद मनाते थे परमेश्वर के सामने। अब यहां पर जो है, यहां पर ये आनंद मना रहे हैं किसके सामने? मेमने के, अर्थात यीशु मसीह के सामने। वो परमेश्वर है, उसके सामने खजूर की डालियों को हिला रहे हैं, अर्थात उस राजा के सामने हिला रहे हैं, उस परमेश्वर के सामने हिलाकर वो आनंद मना रहे। क्यों आनंद मना रहे? क्योंकि वो उन सारे कलेशों में से निकलकर जो है, उन महाकलेशों में से निकलकर जो है विजय होकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे हैं। ये ध्यान देने की बात है। फिर है वो लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है जी, जब आप 10 से 12 पद तक पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 10 से 12 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है ये बड़ी भीड़ जो है, ये 24 प्राचीन जो है एक साथ जो है, इनके 24 प्राचीनों के साथ जो है वो दंडवत कर रही है, आराधना कर रही। दंडवत करने का मतलब होता है आराधना करना, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भजन संहिता 95 उसका 6 पद पढ़ेंगे, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तो वो जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है, खजूर की डालियां लिए अपने परमेश्वर के सामने हिलाकर उसकी वर्शिप कर रहे हैं, जैसा उस समय कर रहे थे जब यीशु मसीह ने यरूशलम में प्रवेश किया था। जी हाँ, यरूशलम में प्रवेश किया था। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 21 से 1 से 11, मरकुस 11 से 1 से 11, लूका 19 28 से 40 तक, यूहन्ना 12 से 19 तक। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है कि यीशु मसीह ने जब यरूशलम में प्रवेश करा तो लोगों ने अपने कपड़े और खजूर की डालियां और पेड़ों की डालियां, यूहन्ना में खजूर की डालियां आया है, खजूर की डालियां मार्गों में बिछाई और उसके सामने वो हिला रहे थे। एक राजा के सामने कपड़े बिछाना और डालियों को बिछाना, ये एक राजा होने का प्रतीक है। और यीशु मसीह जो है वो विजय राजा था। अब वो विजय राजा था, उसको विजय राजा क्यों घोषित किया गया? उसने कौन से राज जीते? जी नहीं, उसने बशर्ते कोई राज नहीं जीते, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। पहली चीज, उसने उस असंभव को, होने वाली बात को संभव करके जीत लिया। वो कौन सी थी? कि उसने मौत को पर विजय प्राप्त कर ली। जी हाँ, यीशु मसीह ने जो है मृत्यु पर जो है विजय प्राप्त कर ली है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता भी है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। जब आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे, खासतौर से आप 53-54 पद से पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु का डंक तोड़ दिया, यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तो उस मृत्यु को प्राप्त करने से पहले ही लोगों ने उसे अपना राजा घोषित कर लिया कि यही हमारा राजा है। कॉन्फिडेंस था, खास तौर से वहां जो बच्चे थे वो कह रहे थे हे दाऊद की संतान होसन्ना, हे दाऊद की संतान होसन्ना। उनको कॉन्फिडेंस था कि इसने जो है ये विजय राजा है और इसने मौत पर विजय प्राप्त कर ली, इसने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसने राज को क्या है जीत लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है,
देखिए यहां पर जो है, यदि हम उस महाकलेश काल में से निकल के आते हैं तो इस बड़ी भीड़ के भागीदार होते हैं, और इस बड़ी भीड़ के भागीदार यदि आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को, हम सबको यीशु के लहू से धोना होगा, और यीशु के लहू को से धोने से पहले अपने पापों का अंगीकार करना होगा, अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, मन फिराना होगा और अपनी आत्मा प्राण देह को प्रभु के हाथ में सौंपना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तभी हम जो है यीशु हम पर क्या करेगा, जब वो देखेगा हमने मन फिराया है, पश्चाताप किया है और अंगीकार किया है, तब प्रभु हमें अपने पवित्र लहू से धोकर हमें पवित्र बनाएगा, फिर सामर्थ्य देगा ताकि उस महाकलेश काल में हम विजय हो और उसके विजय होकर उसके राज में वारिश हो, और इस बड़ी भीड़ में खड़े हो, श्वेत वस्त्र पहने हुए इस बड़ी भीड़ में खड़े हो, खजूर की डालियां लिए हुए और मेमने की, उस 24 प्रचीनों के साथ, उन चार प्राणियों के साथ जो है हम वर्शिप कर रहे हो स्वर्ग के अंदर प्रभु यीशु मसीह की। तो आइए अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग में वर्शिप करने के लिए, अपने आप को इस पृथ्वी पर पवित्र बनाएं, पश्चाताप करें, मन फिराएं, अंगीकार करें, पापों से बुराइयों से दूर रहें और अपना जीवन प्रभु को सौंपें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।